हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, और मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी के साथ दीपावली की लंबी छुट्टी के बाद। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई सीट लाया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की सीट। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी सेकंड सीट है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए दोस्तों, आज की सीट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सीट को पॉज करें, उसके बाद सीट को सॉल्व करें, देन इसका प्लान देखें। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, अपना गेस करिए और बताइए राइट आंसर। दोस्तों चलिए एक्सप्लेन करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ब्लैक होल घटना फ्रांस सीसी डच ब्रिटिश नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 ईस्वी में अंग्रेजों के समय हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है आपका जनरल हरोज, दूसरा कैंपबेल, तीसरा जनरल रेनॉल्ट और चौथा है जॉन निकल्सन। तो चलिए दोस्तों, बताइए, आपके पास वही 5 सेकंड का टाइम है। तो आप लोगों ने आई होप गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल हरोज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है, किसने कहा था? जनरल हरोज ने। और आपको बता दें दोस्तों, जो कैंपवेल है, इन्होंने ही 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा विद्रोह को दबाया था 1857 क्रांति में। जी हाँ, कैंपवेल ने ही सबसे ज्यादा 1857 विद्रोह को दबाया था। और अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है, चलिए मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, इसका गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक हैं, जो कि 1905 ईस्वी में लिखा था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों आप सामने चार ऑप्शन है, वही 5 सेकंड का पुराना टाइम। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर होगा इसका खेड़ा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1918 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी, और गांधी जी के दूसरा आंदोलन था, पहला आंदोलन था चंपारण, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रथम आंदोलन है, ये भी बात जान लीजिए। पहला आंदोलन चंपारण और दूसरा खेड़ा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेड़ा आंदोलन ही यहाँ पे सही है। तो ये असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। तो बताइए दोस्तों, किस सन में की गई थी? पहला ऑप्शन है 1906, दूसरा ऑप्शन है 1907, तीसरा ऑप्शन है 1908 और चौथा ऑप्शन है 1909। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ सामने वही 5 सेकंड टाइम है, राइट आंसर करिए। आई होप दोस्तों आपने गेस कर लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1908। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग के 1908 में मुसलमानों द्वारा निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जो कि 1909 में मार्ले मिंटो आपने पढ़ा होगा, मार्ले मिंटो सुधार में प्रथम निर्वाचन मंडल को मांग की पूर्ति की गई थी, और 1906 में
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नील विद्रोह के समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटी के संपादक कौन थे? आपके सामने पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है याकूब हसन, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण विनोद राय और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर। जिन दोस्तों को नहीं पता चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, नील विद्रोह 1859 में स्टार्ट हुआ था और हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका ए ओ ह्यूम, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों यानी कि ए में ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन है बी एंड डी और तीसरा ऑप्शन है सी बी एंड सी और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपके सामने वही 5 सेकंड का पुराना टाइम, आई होप दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपका इसमें से राइट आंसर होगा बी एंड डी। जी हाँ दोस्तों, एनी होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है मणिराम दत्त, तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। आपके पास वही 5 सेकंड का पुराना टाइम है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपने गेस कर लिया होगा। तो बताते हैं इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, मणिराम दत्त असम से और लियाकत अली आपके इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में जोर शोर से भाग लिया था। तो चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। मित्र मेला के संस्थापक कौन हैं? बताइए दोस्तों, मित्र मेला के संस्थापक कौन हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल, दूसरा ऑप्शन है वी डी सावानकर और तीसरा ऑप्शन है पुलिन दास और चौथा ऑप्शन है रस बिहारी घोष। आई होप दोस्तों आपके पास वही 5 सेकंड टाइम है, गेस करिए और बताइए राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपने गेस कर लिया होगा इसका राइट आंसर। तो जिन दोस्तों ने नहीं गेस किया तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा वी डी सावानकर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वी डी सावानकर। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लाल न्यू इंडिया किसकी मैगजीन है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके सामने एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जे एल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपके सामने वही पुराना 5 सेकंड का टाइम है। आई होप दोस्तों आपके पास टाइम इनफ होगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। जी आपको दोस्तों बता दूं, महात्मा गांधी की मैगजीन है यंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा है मैगजीन। तो आई होप दोस्तों आपको आज की सीट बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में सीट का रिस्पांस मुझे जरूर दें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं सबसे पहले जो कल 18 तारीख को जिन दोस्तों का टेट का एग्जाम है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। बाय, गुड नाइट।